न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 20, और जो आज हमारा टॉपिक है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं कि स्पेक्ट्रा क्या चीज़ होती है। स्पेक्ट्रा कहते हैं कि जब वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म के अंदर से पास करती है, तो प्रिज्म की ये एबिलिटी होती है कि उस वाइट लाइट को उसके कंपोनेंट के अंदर डिस्पर्स कर दे। तो डिस्पर्शन के बाद ये जो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन सी आ जाती है ना, जिसमें 7 मुख्तलिफ रंग होते हैं, इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रा आ गया। चूँकि यहाँ पे वाइट लाइट आई है, वाइट लाइट हमारे लिए विजिबल है, तो जो विजिबल लाइट होती है जब वो प्रिज्म के अंदर से पास करती है, तो वो 7 रंगों में अपने आप को डिवाइड कर लेती है और एक स्पेक्ट्रा बना देती है। वाइट लाइट में हमें मालूम है कि हमारे पास जो कलर्स होते हैं वो वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर आ जाते हैं। 7 रंगों का मजमुआ मिलकर वाइट लाइट बनाती है, और वाइट लाइट हमारे लिए जो है वो हम उसे देख सकते हैं क्योंकि वो विजिबल रीजन के अंदर लाइक करती है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि ये जो है ये विजिबल रीजन के अंदर लाइक करती है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास कितने रीजन होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट तरह की लाइट होती है, मतलब कि विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास विजिबल लाइट थी। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट रीजन है, इसी तरह से इंफ्रा रेड रीजन है। ये रीजन जो हैं ये मुख्तलिफ लाइट के रीजन्स हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रल रीजन्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल रीजन्स होते हैं। हमने जिस स्पेक्ट्रा की बात की है वो विजिबल रीजन के अंदर लाइक करता है, क्योंकि वो वाइट लाइट थी, तो वाइट लाइट जो है वो विजिबल रीजन के अंदर आ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है FM रेडिएशंस होती हैं, हमारे पास जो है रडार की रेडिएशन होती है, इंफ्रा रेड रेडिएशन होते हैं, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज आ जाती हैं। इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है 800 के करीब, चूँकि ये जो वेवलेंथ है ना, बेसिकली ये हमारे पास वेवलेंथ होती है जो कि 400 से लेके हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक जा रही होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है हमारे पास रेड की होती है। रेड के बाद जो है हमारे पास तकरीबन 620 पे जाके, यहाँ पर बल्कि थोड़ा सा पीछे आएगा, यहाँ पे 620 पे जाके हमारे पास दूसरी आ जाती है, मतलब कि 800 से 620 जो हमारे पास रीजन है इसके अंदर सारे का सारा रेड लाइक करता है। उससे थोड़ा सा पीछे ये 620, यहाँ तक सारा का सारा रेड है, फिर हमारे पास थोड़ा सा ऑरेंज आ जाता है, ऑरेंज कलर आ जाता है जिसकी 600 तक आती है जस्ट। उसके बाद हमारे पास येलो आ जाता है जो कि 550 तक जाता है, ये तकरीबन ये हमारे पास 550 है, इस 550 तक हमारे पास येलो कलर आ जाएगा। अब 550 नैनोमीटर से पीछे की रेंज तक अगर आप आ जाएँ 480 तक, यहाँ तक तकरीबन सपोज़ कर लीजिए कि ये 480 है, तो 480 तक हमारे पास ज़रा ग्रीन कलर आ जाता है, ये जो है हमारे पास ग्रीन कलर आ गया। और इससे थोड़ा सा पीछे जाएँ 460 तक, तो ये ब्लू कलर आ जाएगा, ये 460, और 460 पे हमारे पास जो है वो ब्लू कलर आ गया। और 460 से अगर मैं ये 420 तक जाऊँ, तो 420 तक मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा इंडिगो कलर, ये इंडिगो आ गया। और ये वाला जो है जो स्टार्टिंग है 400 नैनोमीटर, इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास वॉयलेट की रीजन आ जाती है। तो ये डिफरेंट कलर है, सबसे कम वेवलेंथ हमारे पास वॉयलेट कलर की होती है, उससे ज़्यादा इंडिगो, फिर ब्लू आता है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और एंड पे जो है रेड है, जिसकी वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा, जो कि 800 नैनोमीटर तक है। ये सब के सब रंग जो हैं ये विजिबल लाइट के अंदर आते हैं, ये विजिबल लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं। और हमें ये कैसे पता चलता है कि विजिबल लाइट के इतने कंपोनेंट हैं, क्योंकि हम इसे प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं। तो जैसे ही प्रिज्म के अंदर किसी भी, मतलब किसी भी एंगल पे ये लाइट उसके अंदर जाती है, तो जाकर जो है ये जब डिस्पर्शन करती है, ये वापस निकलती है उसके अंदर से रिफ्रैक्शन के बाद, तो डिफरेंट तरह के 7 रंगों में जो है तब्दील हो जाती है। और वो 7 रंग ये वाले होते हैं जो कि इंडिगो से लेकर रेड तक फैले हुए होते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, तो बारिश के बाद जो हमारे पास ड्रॉपलेट होते हैं ना वो वाटर के, उनके अंदर से जैसे ही वाइट लाइट गुजरती है, तो आपके पास स्काई पे एक रेनबो बन जाती है। उस वक्त जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो काम कर रहे होते हैं एज अ प्रिज्म। तो इस तरीके से जो प्रिज्म का काम है वो उस वक्त ड्रॉपलेट ने किया, और क्या किया कि सफ़ेद रोशनी को जो है 7 रंगों में बिखेर दिया और आसमान पर एक रेनबो बना दी। सिमिलरली इसी तरह का फिनोमेना तब होता है जब हम प्रिज्म के अंदर से वाइट लाइट को पास कराते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि स्पेक्ट्रा, ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम रीजन थे जिसके अंदर गैमा रेज आ जाती है, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल को हमने 7 रंगों में डिवाइड कर दिया। इसके बाद इंफ्रा रेड आ जाती है, फिर हमारे पास जो है फिर रेडियो वेव्स और फिर माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली बहुत से टाइप के होते हैं। हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है,
और बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ये डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर जो हम लोग जिस स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि हम किसी भी एटम का जो है, किसी भी एटम को कंसीडर करके उसका स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन का हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। बाकी जो स्पेक्ट्रम की टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, कि किस तरीके से हमारे पास जो है स्पेक्ट्रम्स आते हैं डिफरेंट एटम्स के, और किस तरीके से उनकी टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, और डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है कि कोई वाइट लाइट है प्रिज्म के अंदर से पास करे तो अपने आप को अपने कंपोनेंट के अंदर क्या कर लेती है, डिस्पर्स कर लेती है, उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। सिमिलरली मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हम करते हैं, हम यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस को इस तरीके से फिलअप कर लेते हैं। इस गैस को, ये जो हाइड्रोजन गैस हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाली है, इसे हम लोग बहुत ही लो प्रेशर पे रखते हैं। बहुत लो प्रेशर के ऊपर रखा होता है, इस तरीके से बैटरी के साथ इसे कनेक्टेड किया होता है। होता क्या है, जब इसे कनेक्टेड हम लोग कर देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब को इसके इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है बैटरी के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लूइश कलर की जो लाइट है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। इस तरीके से ब्लूइश लाइट आ रही होती है। और इसके बाद हम यहाँ पे दो स्लिट्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने यूज़ की थी यही वाली स्लिट्स जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कंपिटेंस इफेक्ट का। अब ये जो है ब्लू स्लिट जैसे इससे पास करके जाती हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रिज्म रखा होता है। अब जाहिर सी बात है प्रिज्म का तो ये काम है कि कोई भी लाइट उसके ऊपर पड़े, चाहे वो वाइट है या कोई भी है, अगर वो लाइट किसी तरह के रंगों से मिलकर उसका कॉम्बिनेशन होगी तो ये प्रिज्म उसको उसके कंपोनेंट के अंदर डिस्पर्स कर देगा। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे जो है ब्लूइश लाइट जैसे इसके ऊपर डाली है, तो ब्लूइश लाइट जब इसके ऊपर ढलती है प्रिज्म के अंदर तो क्या करती है, इस तरीके से जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बल्कि इसके अंदर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जब निकलती है तो इस तरीके से स्क्रीन पर पड़ती है। यहाँ पर एक जो है हम लोगों ने स्क्रीन रखी होती है ताकि हम ये देख सकें कि कौन कौन से रंग की हमारे पास जो है लाइट ऑब्टेन हुई है डिस्पर्शन के बाद। अब जब ये लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद इसके ऊपर आकर पड़ती है, किसी चीज़ के अंदर से निकल कर डिस्पर्स होकर इसके अंदर आकर पड़ती है, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की एक लाइन थी ना ब्लूइश लाइन, वो 5 तरह की सीरीज के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस तरह की जो है 5 रंग की जो है इसके पास सीरीज आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। और स्पेक्ट्रल सीरीज किसकी हैं, ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 था और एटॉमिक मास भी 1 था, उस हाइड्रोजन को हम लोगों ने लिया है। और ये जो 5 सीरीज आती हैं, इन सीरीज के हम लोगों ने नाम रखे हुए हैं। इनमें से सबसे पहली सीरीज का जो नाम है वो 11 सीरीज है, और ये जो है ये अल्ट्रा वॉयलेट रीजन के अंदर लाइक करती है। सिमिलरली जो दूसरी सीरीज हमारे पास हासिल होती है उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास बाल्मर सीरीज है, और ये विजिबल रीजन के अंदर लाइक करती है। सिमिलरली जो तीसरी सीरीज हमारे पास आती है उसे हम लोग पैस्टन कहते हैं, ये हमारे पास पैस्टन सीरीज आ गई जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर लाइक करती है। इसी तरह हमारे पास जो चौथी आ जाती है वो ब्रैकेट आ जाती है, ब्रैकेट सीरीज, और ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाइक करती है। अब जो पांचवी बची, पांचवी को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पफन सीरीज है जो कि लाइक करती हैं हमारे पास यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाइक करती हैं। तो ये 5 तरह की सीरीज हैं जो हाइड्रोजन की एक लाइट यानी कि एक रे जो कि ब्लूइश थी उसके प्रिज्म के अंदर से पास करने की वजह से डिस्पर्स होकर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन होती है। और ये 5 तरह की सीरीज को हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रम सीरीज है हाइड्रोजन एटम की। इनमें से जो पहली 4 सीरीज हैं, उन पहली 4 सीरीज के बारे में तो हमें बोहर के एटॉमिक मॉडल से पता चल गया था, जो कि 1930 के अंदर किया था इन 4 सीरीज के बारे में। अब बात करते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं ये आती किस तरह से हैं। हमें मालूम है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि मैंने हाइड्रोजन 1-1 लिया, यानी कि ये वाले हाइड्रोजन को लिया। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं जो हैं, इसमें ड्यूटियम आ जाते हैं, ट्रिटियम आ जाता है, और एक हाइड्रोजन है, मतलब 2 आइसोटॉप आ जाते हैं बेसिकली उसके। लेकिन इस वक्त मैंने यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 1-1 को कंसिडर किया। तो जब मैं हाइड्रोजन 1-1 की बात करूँगी तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर मैं 1-2 को भी तब भी तो इलेक्ट्रॉन एक ही आ जाना था, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया H11 ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मुझे मालूम है कि इसका जो K शेल है इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम इस इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं, मतलब इस एटम को मैं कोई हीट दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हीट मैंने इसको दी, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन
इस ऑर्बिट को छोड़ के जो इसका हायर ऑर्बिट होता है ना उसके अंदर जंप कर जाता है, यानी कि एक्साइट कर जाता है वहाँ तक। तो ये जो एक्साइट करता है ना, ये करता है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। यहाँ से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके, ये एक मिनट, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये हायर ऑर्बिटल के अंदर चले गया। अब जैसे ये हायर ऑर्बिटर के अंदर गया है तो ये गया है बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। जो एनर्जी हमने इसको दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट किया और एक्साइट करके हायर ऑर्बिट वाले जो है हायर ऑर्बिट के अंदर जाकर रह गया। अब जैसे ही ये डी एक्साइट करता है, तो डी एक्साइट करने के बाद ये एनर्जी लूज़ करता है। तो एनर्जी लूज़ करने के बाद जब ये डिफरेंट रंग के छोटे वाले ऑर्बिटर में आएगा ना, तो तब ये जो है स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस करता है। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेट करता है, तो गेट करके एनर्जी के हर ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाता है, और जब ये एनर्जी रिलीज़ करता है तब ये डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रम्स प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिट से किस वाले ऑर्बिट के अंदर डीएक्साइट होकर आया है। इससे हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है सीरीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे हम लोग करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है स्पेक्ट्रल सीरीज़ प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने बात की थी लेमन सीरीज़ की। तो जो हमारे पास लेमन सीरीज़ होती हैं, ये उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो N1 में आ जाए, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ जाए डीएक्साइट होने के बाद। और कहाँ से आए ये मैटर नहीं करता, उस वक्त हो सकता है ये 2 वाले में गया हो, 3 वाले ऑर्बिट के अंदर हो, 4 वाले ऑर्बिट के अंदर, या सो ऑन, किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर उसने जंप किया है। तो अगर वो पहले वाले ऑर्बिट के अंदर, इनिशियल ऑर्बिट के अंदर आएगा, तभी हमारे पास जो है लेमन सीरीज प्रोड्यूस होंगी। इसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूं करके बना लेती हूँ, डिफरेंट तरीके से ये कुछ सीरीज़ मैं बना लेती हूँ ताकि आसानी से हमें समझ आ सके। ये फर्स्ट हमारे पास ऑर्बिट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, और एक फाइनल बना लेते हैं 7 तक। बस यहाँ तक इनफ है। अब मैंने बात की है लेमन सीरीज़ की। तो ये जो मेरे पास लेमन सीरीज़ हैं, ये उस वक्त प्रोड्यूस होंगी जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है जो एक्साइट हो चुका है, जंप कर चुका है बाय अब्जॉर्बिंग द एनर्जी। हो सकता है वो 2 वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकता है 3 या 4 या 5th में हो। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए कि वो 7th में गया था। अब अगर वो 7th से फर्स्ट के अंदर जंप करेगा, तभी हमारे पास जो सीरीज़ प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम लोग कहेंगे कि ये लेमन सीरीज़ है। और ये तभी प्रोड्यूस होंगी जब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्साइट कर चुका है, वो डी एक्साइट होकर फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास जो बाल्मर सीरीज है, वो उस वक्त प्रोड्यूस होंगी जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर हो, वो 2 के अंदर है, 3 के अंदर है, 4 के अंदर है, या 5 के अंदर है। अगर वो 2 वाले ऑर्बिट के अंदर आएगा, तभी हमारे पास जो सीरीज प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास बाल्मर सीरीज है। सिमिलरली अगर वो 3 वाले के अंदर आएगा एक्साइट होने के बाद, तो इस वाली सीरीज को हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास स्पेशन है। और 4 में आएगा तो पफिन, और यहाँ पर 5th वाले में आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास ब्रैकेट सीरीज प्रोड्यूस हो गई है। बल्कि पहले ब्रैकेट होगी, उसके बाद जाके हमारे पास यहाँ पर पफिन आएगी। तो ये जो है 5 तरह की सीरीज इस तरीके से प्रोड्यूस होती है जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से वापस जो है डी एक्साइट होने के बाद, एनर्जी रिलीज होने के बाद, डिफरेंट तरह के ऑर्बिट के अंदर आता है लो एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर। तो तब ये हमारे पास डिफरेंट तरह की 5 सीरीज प्रोड्यूस होती हैं। अब बात आती है कि हमें सीरीज़ के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इस सीरीज़ से हमें एडवांटेज क्या होता है, हमें क्या पता चल जाता है इन सीरीज़ से। बेसिकली हमें पता चलता है कि हमारे जो, अब इससे हमें जो है, हमें पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिट से किस वाले में आया है, और कितनी इसके दरमियान जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। बेसिकली हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें वेवलेंथ के बारे में भी आइडिया हो जाता है। अब वेवलेंथ के बारे में हमें आइडिया कैसे होता है, हम यूँ करते हैं कि हमें मालूम है कि जो हमारी एनर्जी है उसे हम लोग एच इंटू एफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे जो है हम लोग मज़ीद डिफाइन करके एच इंटू सी बाय लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मुझे वेवलेंथ के बारे में मालूम करना हो, तो मैं सिंपली यूँ करूँगी कि 1 बाय लैम्डा। अब मैं एच सी का बताती हूँ कि मैंने एच सी का क्या किया, 1 बाय लैम्डा। और यहाँ पे आपको मालूम है कि हम लोग रडबर्ग कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, और 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, और -1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर। ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में 5th चैप्टर में पढ़ी है कि किस तरीके से आप इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करके यहाँ पे रडबर्ग कांस्टेंट लगाते हैं, जिसकी कि अपनी एक वैल्यू होती है जो कि 1.0974 × 10⁻⁷ मीटर - 1 होती है।
इसे मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि फिफ्थ चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये फिफ्थ चैप्टर केमिस्ट्री में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से देखा था कि हम लोगों ने किस तरीके से इसे डिराइव किया, लेकिन यहाँ पर बेसिकली एच सी को हम लोग कॉन्स्टेंट से जो है इक्वल कर लेते हैं और फिर उसकी जगह रेड पर कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। पूरा के पूरा डेरीवेशन है फिफ्थ चैप्टर के अंदर। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग बेसिकली जो है डिस्कवर कर रहे हैं या जो बेसिकली हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं वो है कि एनर्जी स्पेक्ट्रम, यानी कि हमारे पास किस तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन का है, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है, तो क्या क्या उसकी एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। और साथ ही साथ हमें वेवलेंथ के बारे में भी पता चल जाता है कि इसकी वेवलेंथ में इतना चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लेमन सीरीज़ के बारे में बात की थी, तो लेमन सीरीज़ के बारे में हमें मालूम है, लेमन सीरीज़ के बारे में मैंने ये बात की थी कि हमारे पास जो ऑर्बिट है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन आएगा डी एक्साइड होने के बाद तो लेमन सीरीज बनेगी, वो हमने कहा था कि वो हमारे पास N1 जो है वो 1 होना चाहिए, और N2 है वो कुछ भी हो सकता है, वो 2, 3, 4, 5 सोन कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अगर मैं लेमन सीरीज़ के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और वेवलेंथ के बारे में फाइंड आउट करना चाहूँ, तो वेवलेंथ को वापस आप इसी फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी कि जिस स्पीड के साथ आपकी जो है डी एक्साइटेशन हो रही है, बेसिकली एक्साइट हो रहे हैं या डी एक्साइट हो रहा है, कितनी स्पीड से आप वो इसको पुट कर लेंगे। ये जो आपको मालूम है कि प्लैंक कॉन्स्टेंट है और लैम्डा आपने फाइंड आउट किया होगा, जाहिर सी बात इसका रेसिप्रोकल है, 1 से डिवाइड करें तो दोबारा आपके पास लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट करके आपको एनर्जी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो हम इसे इसलिए यहाँ पर करें कि हमें एक कॉन्स्टेंट मिल चुका है और उसके थ्रू हमारे पास जो है यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में एक अच्छी सी जो है इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस तरीके से इसकी वेवलेंथ जो है, यानी कि इसकी वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल है वो किस तरीके से हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है। अब अगर मैं ये बात करूँ लेमन सीरीज़ के लिए, तो मुझे मालूम है कि RH को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। सिमिलरली मेरे पास जो जो N2 है उसे मैं सपोज कर लेती हूँ कि 2 है, तो यहाँ मेरे पास 4 आ जाएगा 2 का स्केयर, और 1 का स्केयर तो 1 ही रहेगा। तो जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो वेवलेंथ आएगी, क्योंकि रटबर्ट कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, जो कि मेरे पास 1.0967 × 10^5 है, इसको जो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, जाहिर सी बात है मेरे पास 4 − 1/4 आ जाएगा। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा तकरीबन 82.26 × 10^5 m−1। तो इस तरीके से क्योंकि ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेवलेंथ मीटर में होती है, इसलिए यहाँ पे m−1 आ गया। तो इस तरीके से हमें वेवलेंथ के बारे में पता चलता जाता है। ये लेमन सीरीज़ की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और वेवलेंथ के बारे में था। इसी तरीके से अगर आपने बाल्मर सीरीज़ के बारे में बात करनी हो, तो आपको मालूम है कि उस वक्त आपका N1 2 हो जाएगा और N2 जो है वो 3 से सोन आगे स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आप अगले सीरीज़ की तरफ आएंगे, जैसे कि जो हमारी अगली सीरीज़ है वेस्टर्न है, तो उसमें हमारे पास जो N1 है वो 3 है और जो N2 है वो 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करके आपके पास डिफरेंट तरह के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम आ जाते हैं जो कि हाइड्रोजन एटम के थे। और इसी तरीके से आपको ये भी पता चल जाता है कि वेवलेंथ में कितना वेरिएशन आ रहा है। आपको ये पता चल जाता है इन सीरीज से कि इलेक्ट्रॉन की जो जो पैटर्न है इलेक्ट्रॉन के काम करने का, जब वो एक्साइड होता है या डी एक्साइड होता है, तो किस किस तरह की सीरीज प्रोड्यूस कर सकता है, आपको इसके बारे में भी आइडिया हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा था और हमने हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जो है देखा है। हमें ये भी पता चला है कि लाइट किस तरीके से अपने डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर डिस्पर्स होती है और किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनाती है। तो होप सो आज के लेक्चर में आपको इतना समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है, किस तरीके से हमें लाइट के बारे में पता चलता है कि वो कितने कितने कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व हो सकती है, उन कंपोनेंट की वेवलेंथ क्या आती है, वो किस रीजन के अंदर लाइक करते हैं, और डिफरेंट तरीके के स्पेक्ट्रम रीजन्स के बारे में आज हमने पढ़ा है।